Welcome back to another video. आज एक व्लॉग होने वाला है. मैं मेरे प्लांट्स की कलेक्शन दिखाऊंगा और इस वीडियो में आपको सिनेमेटिक भी देखने को मिलेंगे. तो पहले आंगन में चलेंगे, फिर वरांडे में आएंगे, फिर यहाँ का देखेंगे. तो चलिए पहले आंगन में चलते हैं. तो गाइस अब हम आंगन में आ चुके हैं. ये देख सकते हो आप, ये पूरा आंगन है मेरा. तो अब बात करते हैं हमारे प्लांट्स की. तो देखो बैक कैमरा प्लांट है, इधर भी दो मनी प्लांट है. अब एक आपको चीज़ बताता हूँ मैं, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा कोई नेट बन गया है. अब देखो ऐसा लग रहा है ना नेट बना हुआ. हमने तो वैसे सोचा था कि इनको सीधे सीधे बांधे अच्छे से नेट बन जाता, पर टेढ़े मेढ़े कैसे भी बांध दिए हमने. नेट लग रहा है कि नहीं लग रहा कमेंट करके बताना. तो चलो वरांडे में चलते हैं. तो गाइस अब हम वरांडे में आ चुके हैं. देख सकते हो ये पूरा वरांडा, यहाँ पे हम बैठते हैं. ये देख सकते हो ये भी मनी प्लांट इधर क्रॉस में जा रहा है, जैसे क्रॉस बन रहा हो. और इस साइड ठीक है. तो चलो अब बाहर पे बाहर बात करते हैं. ये देख सकते हो आप कितने सारे हैं. ठीक है तो चलो अब बात करते हैं. सो हाँ गाइस अब हम आ गए वरांडे में. तो मैं थोड़े सिनेमेटिक लेता हूँ, तो सिनेमेटिक एंजॉय करो. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. तो चलो प्लांट्स की बात करते हैं. तो देखो बैक कैमरे से. तो गाइस ये सबको पता ही होगा ये कौन सा प्लांट है. ये तुलसी जी हैं, इनकी पूजा की जाती है. और ये जितना भी सर्कल बन रहा है ये पूरी तुलसी जी हैं. अब आते हैं इनकी तरफ. ये तो हम फैशन मतलब दिखने में अच्छा था और इसलिए हम लाए थे. ये भी ऐसे ही इसके साथ ही था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था ये. और हम ले आए थे इसको, हम जब इन ऐसे पेड़ों को लाए थे तब ये बिल्कुल एक हाथ जितने बराबर थे. और अब देखो आप कितने बड़े हो गए. ये है मालती की बेल जिसपे बहुत अच्छे फूल उगते हैं. जिसपे भी फूल उगते हैं मैं आपको उस प्लांट के बाद आपको फोटो दे दूँगा. ये है सदाबहार जिसपे ऐसे ही ऐसे फूल उगते हैं बहुत सारे. ये है मरुआ, ये शिवजी को बहुत अच्छा लगता है. ये बेलपत्रश, ये भी शिवजी को बहुत अच्छे लगते हैं. ये सबको पता ही होगा बेलपत्र. ये भी फैशन के लिए. ये तो बहुत छोटा था, अब जब लाए तब देखो आप कितना बड़ा हो गया. ये है धूप जो गणेश जी पे चढ़ाई जाती है. ये सफ़ेद आंकड़ा, इस पर भी फूल आते हैं शायद तक, मेरे को पता नहीं है. इसकी भी पूजा की जाती है. ये है गुड़ैल जिसपे रेड कलर के फूल आते हैं. मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा देख लेना. ये भी गुड़ैल है जिसपे ऑरेंज कलर के फूल आते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं. ये देख सकते हो ये भी फैशन के लिए लाए थे. ये भी बहुत छोटा था तब, अब बड़ा हो गया.
ये मोगरा है, इसके भी फोटो दे दूंगा मैं आपको। हमारे घर पे वैसे निकलते हैं और आपको दिखाऊंगा, इससे भी बड़ा मोगरा है हमारे घर पे। ये है विद्या का पेड़, ये भी गुड़हल का, इस पे भी रेड कलर के फूल उगते हैं, बहुत मतलब बहुत सुंदर। और ये बेलपत्र, ये भी मतलब दिखने में अच्छा था तो ये ले आए थे। ये वही है सदाबहार जो आपने वहाँ देखा था, जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो ये वाला, ये येलो गमले वाला, ये यहाँ पर भी लगा हुआ है। इसका नाम अगर आपको किसी को पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए। और ये भी इस पे येलो और ऑरेंज कलर के बताएं कोई कलर के फूल आते हैं। तो अब इस पे आते हैं, तो ये है पूरा अमरूद का पेड़, ये बहुत साल पुराना पेड़ है। इस पे सर्दियों में कम से कम एक हाथ जितने अमरूद आते हैं। ये है हार सिंगार, इस पे भी ऑरेंज और वाइट कलर के मिक्स फूल आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अभी इनका सीज़न नहीं है फूल आने का, इसलिए फूल आ नहीं रहे। और अब आते हैं बड़े मोगरे पे। ये तो था आपने छोटा देखा था, अब ये देखो, ये इसकी बेल यहाँ से जा रही है पूरे गेट के ऊपर से यूँ जाके वहाँ तक, फिर बीच बीच में ऐसे निकल रही है। इस पे भी खूब सारे मोगरे आते हैं। हमारे घर की फ़ोटो दे दूँगा मैं आपको। हमने घर से जो तोड़े और भगवान पे चढ़ाते हैं। अब वो जो आप देख रहे हो वो वाला पेड़, ये है कड़ी पत्ते का। कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, कुछ लोग कड़ी पत्ता बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं चीज़ों के। तो ये है हमारे प्लांट्स। अब आप सोच रहे होगे ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी वैसे ये खाली है, इसमें जो छेद कर रखे हैं इसमें पानी भर के हम पौधों को पानी दे सकते हैं। कोई भी खाली कैन हो उसमें छेद कर दो, पानी भर के किसी को भी पानी दे सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ये है पर हम ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हाँ तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आपके घर में पौधे हो तो कमेंट करके बताना कौन कौन से पौधे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब नहीं देखी हो तो मेरे पिछली वीडियो देख लेना। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।